Hello everyone, in this class or this lesson we are going to continue our exercise 10.2 in which up to the 8th question in last video we have already completed. Two questions are remaining, which is question number 9th and question number 10th. So I am starting the question number 9th. Question number 9th is the given question is: if H is the orthocenter of a triangle ABC, क्या दे रखा है? H is an orthocenter of a triangle ABC. तो orthocenter का मतलब क्या हुआ? orthocenter का मतलब होगा कि triangle ABC में हम vertex से perpendicular draw करें. चलो ये perpendicular हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को अपन कहेंगे ऑर्थोसेंटर, जो कि क्या है? एच है. ठीक है, बात यहां तक. मैं इसको बोल देता हूं डी ई एफ. ए डी बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स एंड एच इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई एम कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर. सो एच इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड अक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, अक्स क्या है? अक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए एच. वाई इज मिड पॉइंट ऑफ बी एच एंड जेड इज मिड पॉइंट ऑफ सी एच. देन प्रूव दैट H is also the orthocenter of triangle XYZ. What we have to prove? We have to prove that H is orthocenter of the triangle. किसका triangle? कौन से triangle का है? XYZ का orthocenter होगा. मतलब ये point ले लेता हूँ मैं. चलो इसको बोल देते हैं P. कौन से वाले को? इसको. And this is Q. And let's suppose this is R. और हम भी बताना है H is the orthocenter of triangle XYZ. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट इन ट्राइंगल एबीसी, व्हाट इज द गिवन थिंग इन ट्राइंगल एबीसी? H इज एन ऑर्थोसेंटर and is orthocenter and x comma y and z are midpoints of ax, ax nahi, ah bh ch respectively. क्लियर है यहां तक? बात बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल दे रखा है हमें, ये दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी एच इज ऑर्थोसेंटर एंड एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट ऑफ ए एच बी एच सी एच रेस्पेक्टिवली. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? एच इज ऑल्सो द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई सेट. यह हमें प्रूव करना है. क्लियर? अब बात करते हैं इसके प्रूफ की. कंस्ट्रक्शन कंपल्सरी नहीं है, यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा. अब एक्चुअली हमें करना क्या है उस पर डिस्कस करते हैं कि हमें ऑर्थोसेंटर प्रूव करने के लिए, तो हम ये प्रूव कर दें कि एक्स क्यू जेड पी एंड वाई आर, एक्स क्यू जेड पी एंड वाई आर. चलो एक काम करता हूं, इसको पी ले लेते हैं, इसको R बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स पी वाई क्यू एंड जेड आर एल्टीट्यूड प्रूव कर दे हम कैसे भी करके, तो फिर ये क्या हो जाएगा अपना? ये ऑर्थोसेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टीट्यूड, ये भी अल्टीट्यूड और ये भी अल्टीट्यूड, और तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
और ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो अपना टारगेट रहेगा कि हम कैसे भी करके इसको एल्टीट्यूड प्रूव करें। एल्टीट्यूड प्रूव करने के लिए ये तो पता है कि अक्ष तो इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब हम ये प्रूव करें कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये डोटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये समझ मत लेना कि ये 90 डिग्री दे रखा है, इट इज़ नॉट गिवन, बट वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर है। ये हम प्रूव कर दें, प्रूव करते ये क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो चलिए अपन लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल एच बी सी, ध्यान देना आप वहाँ पर, फ्रॉम ट्राइंगल एच बी सी y is mid point of HB, y and z are mid points of HB and HC. respectively. clear? Using the midpoint theorem, ये 9th standard में है midpoint theorem. What can we say? Using the midpoint theorem, YZ is parallel to BC. Midpoint theorem का concept क्या था, एक बार मैं वापस explain करता हूं. In any triangle, when we join the midpoint of any two sides, then this line segment is parallel to this third side and this line segment is half of this line segment. ये इसका midpoint था, midpoint का concept था, मतलब YZ BC के parallel होगी और YZ BC का क्या होगा, half होगा। तो हमें half से कोई मतलब नहीं है क्योंकि side का measurement angle denote नहीं कर सकता कभी भी। साइड के मेजरमेंट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं और बाकी साइड का मेजरमेंट एंगल को डिनोट करने के में थोड़ी प्रॉब्लम देता है और यू इवन कहें तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो हम पैरेललिज्म के केस से अपन ये बता सकते हैं एंगल 90 डिग्री प्रूव करेंगे अपन, वाई जेड इज पैरेलल टू बी सी। बात समझ में आई? अब देखो ये एंगल और ये एंगल, एंगल एक्स पी वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स डी बी बोल सकता हूं मैं, एंगल एक्स पी वाई है ना, नहीं सॉरी एच एक्स पी वाई, चलो एक्स पी वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स डी बी, एंगल एक्स डी बी एंड एंगल एक्स डी बी is 90 degree, then x p y is equals to 90 degree because angle x d b is equals to 90 degree. बात समझ में आई यहां तक? Similarly, similarly angle z r x is also 90 degree, angle z r x is equals to 90 degree and last thing क्या, angle yqx, angle yqx, angle yqx is also 90 degree क्योंकि ये दोनों parallel है तो ये भी तो दोनों parallel होंगे तो ये दोनों angle equal होंगे, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। Similarly both are parallel then it is 90 and both are equal to 90 and 90 degree, clear है बात यहां तक? Therefore we can say that we can say that xp zr and yq, क्या बोला मैंने, xp zr and yq are altitudes of triangle एक्स वाई जेड, क्लियर बात। एंड एच इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ अक्ष पी, जेड आर एंड वाई क्यू. देयरफोर एच इज ऑल्सो एन अल्टीट्यूड ऑफ, सॉरी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड दिस थिंग वी हैव टू प्रूव. क्लियर, बात समझ में आई होगी. एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करना चाहूंगा. हमें ये दे रखा था एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर एच क्या है, ऑर्थो सेंटर है. मीन्स एच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी. क्लियर, एंड देन एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ ए एच, बी एच एंड सी एच रेस्पेक्टिवली. क्लियर है बात यहां तक. आगे चले एच, अब इनको ज्वाइन करवाएंगे तो हमें ट्राइंगल मिलेगा एक्स वाई जेड. अब हमें यह बताना है कि एच है वो एक्स वाई जेड का भी क्या है, ऑर्थो सेंटर. अब इसको ऑर्थो सेंटर प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव कर दिया. अब ये प्रूव करेंगे कि एक्स पी, वाई क्यू एंड जेड आर ये अल्टीट्यूड होंगे. तो ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है और ये इसका प्रूफ हो गया. प्रूफ यदि एक्सप्लेन करूं तो देखो, हम एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी तीनों सभी एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हम इन ये सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तीनों के लिए सेम थिंग अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर्म ट्राइंगल एच बी सी वाई जेड इज पैरेलल टू बी सी. इफ वाई जेड इज पैरेलल टू बी सी देन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज वी आई एम राइटिंग हियर बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यदि लाइन पैरेलल होंगे तो इक्वल होंगे. दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इफ दिस इज 90 देन दिस इज आल्सो 90. सिमिलरली दिस 90, सिमिलरली दिस 90 एंड दीज आर एल्टीट्यूड्स एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट एच. देयरफॉर एच इज आल्सो द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड. आई होप यू अंडरस्टूड प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ स्टार्टिंग द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 10, which is how to find a point on BC. How to find a point on BC on it in a triangle ABC. मतलब BC पे हम एक पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, which is equidistant from side AB and AC. मतलब चलो मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया, ठीक है. अब ये जो पॉइंट है वो ABC और AC से इक्विडिस्टेंस है, और हमें ये पता कैसे चलेगा, मतलब हम क्या करें इसमें कि ये पॉइंट हमें मिल जाएगा. हाउ टू फाइंड आउट ए पॉइंट ऑन BC इन ए ट्राइंगल ABC विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड AB एंड AC. लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट X एंड दिस इज अ पॉइंट Y, और इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ. ये अपनी कंस्ट्रक्शन रहेगी. क्लियर बात यहाँ तक. याद, कोई ज़्यादा टिपिकल केस तो लिया नहीं है. एक बार यदि वापस एक्सप्लेन करूँ स्टेटमेंट को, वो ऐसे दे रखा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी हाउ विल वी कैलकुलेट, हाउ शैल वी कैलकुलेट ए पॉइंट ऑन बी सी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ए बी एंड ए सी. डिस्टेंस की बात आई है तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑलवेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम ए लाइन. लाइन से यदि अपन किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. तो ये दोनों एंगल अपने कितने कितने डिग्री के हुए, 90 एंड 90 डिग्री के. अब आगे की बात करते हैं, ये दोनों की डिस्टेंस दे रखे हैं, दिस इट मीन्स बोथ आर इक्वल. बहुत सिंपल सा केस है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट in triangle ABC, P is a point on BC which is equidistant from AB and AC, or we can say that XP is equals to YP. Clear है? हमें प्रूव क्या करना है,
हमें प्रूव नहीं करना, एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें प्रूव वाली कोई बात नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है कि एपी क्या है, एपी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए भाई पी पॉइंट मिलेगा कहाँ पे, ऐसे मिलेगा कहीं पर भी मिलेगा, तो ये हमें एक मेथड पूछा गया। तो इसमें प्रूव वाली बात नहीं है, एक मेथड है, हमने बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। जॉइन एपी, पी लिया ना मैंने एपी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते हैं फिर इसका सॉल्यूशन पे। प्रूफ नहीं होगा, बात सॉल्यूशन की चल रही है, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं पूछी, हमें एक मेथड पूछा गया है कि ये जो पी पॉइंट है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि ए बी और ए सी से इक्विडिस्टेंस होगा। तो इसके रिगार्डिंग सबसे फर्स्ट जो थ्योरम थी वही थ्योरम है, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया गया, मोल्ड कर दिया गया, लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। सॉल्यूशन की बात करें तो फ्रॉम ट्रायंगल ए एक्स पी, ए एक्स पी एंड ए वाई पी, फ्रॉम ट्रायंगल ए एक्स पी एंड ए वाई पी, एक्स पी इज इक्वल टू वाई पी, इट इज गिवन, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है ना पी पॉइंट ए बी और एसी, तो ये एक्स पी और वाई पी ये तो दे रखा है हमें। एंगल ए एक्स पी, एंगल ए एक्स पी इज इक्वल टू एंगल ए वाई पी, ये भी यू मान लो कि दे ही रखा है, डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थिंग्स होती हैं कुछ कुछ, जो कि क्वेश्चन में वैसे डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन एक हिंट होता है वो हमें जस्टिफाई करवाता है कि ये चीजें भी यहां पर अवेलेबल हैं। अब जैसे मान लो कि कोई लाइन सेगमेंट दे रखा, तो अब इसमें ये सोचना कंपलसरी नहीं है कि उसके एंड पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, लाइन सेगमेंट की ही बात की जा रही है तो उसके एंड पॉइंट होंगे। तो कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें होती है जो हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट थिंग एपी is equals to AP. It is common side in both triangles. I hope you understood. Using देखो right angle, hypotenuse and side criteria. RHS criteria of congruency. What can we say triangle AXP? Is congruent to triangle AYP. AYP के क्या हो गया, congruent हो गया, congruent हो गया, तो using CPCT. अपन ये बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल अक्स AP is equals to एंगल YAP. अब देखो ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू टू अबव थियरी पी पॉइंट और पॉइंट पी लाइज ऑन एपी और लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर bisector of angle A, ठीक है। So to find out this point P, we should draw the angle bisector of bisector of angle A and the intersection point of AP and BC will be the required
पॉइंट। बात समझ में आई यहां तक? ये अपना सोल्यूशन हो गया। वैसे वापस एक्सप्लेन करूं तो यदि हाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, इफ यू विल ड्रॉ एंगल बायसेक्टर तो डेफिनेटली एपी एंगल बायसेक्टर हो गया। तो पी पॉइंट किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? एपी पे एग्जिस्ट कर रहा है। और एपी क्या है? एपी एंगल बायसेक्टर। दैट्स मीन वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल ए टू फाइंड आउट दिस पॉइंट पी, एंड पी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आवर एंगल बायसेक्टर एंड दिस लाइन सेगमेंट BC। तो फाइनली हमने क्या शो किया यहाँ पे कि P पॉइंट को BC पे फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल A का एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करना होगा, और जहां पर ये एंगल बायसेक्टर BC को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट P हो जाएगा। और ये अपनी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब इसके बाद में अपन इसकी मिसलेनियस बच रही है तो सभी चैप्टर्स की मिसलेनियस अपन एक साथ करेंगे बैक टू बैक, और इसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा सिमिलरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है सिमिलरिटी का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी कॉन्सेप्ट। वैसे तो यदि समझ में आ गया तो इजी, और नहीं समझ में आ गया तो बातें हवा में ही होंगी। क्लियर बात यहाँ तक? अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।